आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 11 एमटीजी नीट का अंसाल पेपर है और वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर एफ ई प्लस टू से एफ ई बनने का -0.44 है, एफ ई प्लस थ्री से एफ ई प्लस टू बनने का 0.77 है, एफ ई प्लस टू और एफ ई प्लस थ्री एंड एफ ई ब्लॉक्स आर केप्ट टूगेदर। कह रहा है कि एफ ई प्लस थ्री तथा एफ ई ब्लॉक्स आर केप्ट टूगेदर, अगर साथ साथ रखा जाए तो क्या होगा, एफ ई प्लस थ्री और एफ ई को अगर साथ साथ रखें तो क्या होगा, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर दे दिए गए हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को ध्यान देना है कि जो भी रिएक्शन हो रही है इसको समझने के पहले आप लोग ये समझिए कि जो एफ ई प्लस थ्री है अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि एफ ई हमारा एफ ई प्लस टू और एफ ई प्लस थ्री दो स्टेज में रह सकता है। तो एफ ई प्लस थ्री इंक्रीज नहीं कर सकता और एफ ई प्लस टू डिक्रीज नहीं कर सकता, और चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के डिफरेंट हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि एफ ई प्लस टू और एफ ई प्लस थ्री रिमेन्स अनचेंज हो, चेंज जरूर होगा। तो देखे एफ ई प्लस थ्री से ज्यादा पॉजिटिव एफ ई में नहीं होता, केवल दो ही स्टेज में रह सकता है, एक एफ ई प्लस टू और एक एफ ई प्लस थ्री। तो एफ ई प्लस थ्री अब इंक्रीज नहीं कर सकता, एफ ई प्लस टू से कम नहीं हो सकता क्योंकि एफ ई प्लस टू और एफ ई प्लस थ्री दो ही स्टेज में एफ ई रहता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एफ ई प्लस थ्री डिक्रीजेस यानी यही एफ ई प्लस थ्री एफ ई प्लस टू में डिक्रीज हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो गेरा का हमारा सेकेंड विकल्प जनरली बिना किसी टेंशन के और बिना किसी समझ के सही हो गया। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे गए हैं, एफ ई नॉट एफ ई प्लस टू से एफ ई का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा गया है और ई नॉट एफ ई प्लस थ्री से एफ ई प्लस टू बनेगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.77 वोल्ट। देखिए जनरली रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा रहता है, एफ ई प्लस टू से एफ ई बनेगा तो रिडक्शन होगा, एफ ई प्लस थ्री से एफ ई प्लस टू बनेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तब भी रिडक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जनरली रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा रहता है। तो अब देखते हैं कह क्या रहा है, कह रहा है इफ ए सेल इज कंस्ट्रक्टेड कंबाइनिंग दीज टू इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन आकर्स एट एफ ई प्लस टू टू एफ ई इलेक्ट्रोड। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम लोग कंबाइंड कर दें, कंस्ट्रक्टेड का मतलब निर्माण करें इससे एक सेल, तो क्या होगा कि कह रहा है एफ ई प्लस टू से जो एफ ई वाला इलेक्ट्रोड है इसमें ऑक्सीडेशन होगा। क्यों होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखिए इसकी नेगेटिव में ई नॉट की वैल्यू कम है, मतलब नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीकृत होता है यानी ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि ये अपनी बढ़ा सकता है और ये घटाएगा, जिसका ज्यादा है वो कम कर सकता है, जिसका कम है वो ज्यादा कर सकता है। तो अगर निगेटिव वाला पॉजिटिव में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना यानी पॉजिटिव की मात्रा बढ़ना तो ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा। तो इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन होगा, इसमें रिडक्शन होगा। तो वही कह रहा है कि इफ ए सेल इज कंस्ट्रक्टेड कंबाइनिंग दीज टू इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन आकर्स एट एफ ई प्लस टू एफ ई इलेक्ट्रोड, तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो इसलिए ये एनोड का काम करेगा क्योंकि एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है।
तो देखिए इसको एनोड लिखा है, तो इसमें एफई से एफई प्लस टू बन रहा है और दो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, तो ये एनोड का काम करेगा। अब कैथोड पर, कैथोड हमारा ये काम करेगा ये वाला, तो इसके लिए इसमें रिडक्शन होगा तो एफई प्लस थ्री से एफई बनेगा, तो एफई प्लस थ्री से एफई प्लस टू बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तभी एफई प्लस टू बन पाएगा। अब इसमें देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक, इसलिए दो का गुणा कर दिए गए। अब दो का गुणा करके इसको जोड़ा जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए सेल रिएक्शन क्या होगी, एफई प्लस ये दो का गुणा होगा तो टू एफई प्लस थ्री, ये दो दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये दोनों इधर रहेंगे तो दो ये हो गए और एक ये, तो थ्री एफई प्लस टू, ये रिएक्शन हमारी प्राप्त होगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इफ एफई प्लस टू एफई प्लस थ्री एंड एफई ब्लॉक्स आर केप्ट टुगेदर, सारे ब्लॉक्स को अगर पास में रखें, मतलब एक साथ रखें एक ही विलयन में, तो देन एफई प्लस थ्री रिएक्ट विद एफई, तो एफई प्लस थ्री क्या करेगा, इस एफई से रिएक्ट करेगा, ये देखें, और क्या बनाएगा, एफई प्लस टू, टू यील्ड एफई प्लस टू, तो एफई प्लस टू हमें प्राप्त होगा। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एफई प्लस थ्री इज डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ एफई प्लस टू इज इंक्रीजेज, तो कहने का मतलब ये है कि जब इससे ये बनेगा इन दोनों के रिएक्शन से, तो एफई प्लस थ्री की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और एफई प्लस टू हमारा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ ई प्लस थ्री डिक्रीजेज वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर, जेड एन से जेड एन प्लस टू बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसके लिए ही नाट है प्लस 0.76 वोल्ट, एफ ई से एफ ई प्लस टू बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसके लिए इनाट प्लस 0.44 वोल्ट, तो कह रहा है द ई एम एफ फॉर द सेल रिएक्शन एफ ई प्लस टू प्लस जेड एन से जेड एन प्लस टू प्लस एफ ई बन रहा है। तो देखिए इसके लिए हमारा पूछ रहा है कि ई एम एफ ऑफ द सेल रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी, कैसे पता, क्योंकि इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो दोनों ऑक्सीडेशन हो या दोनों रिडक्शन हो, तो हम लोग क्या करते थे, माइनस का साइन लगाते थे, और अगर एक ऑक्सीडेशन हो एक रिडक्शन तो प्लस का साइन लगाते थे, तो क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन है इसलिए बीच में माइनस का साइन रहेगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में ई नॉट सेल लिखा है जेड एन से जेड एन प्लस टू प्लस 0.76 वोल्ट और ई नॉट एफ ई से एफ ई प्लस टू 0.44 वोल्ट, तो ई नॉट एफ ई प्लस टू से एफ ई क्या होगा, देखिए जिसका पॉजिटिव में ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जिसका निगेटिव में ज्यादा होता है उसका रिडक्शन, हाँ जिसका निगेटिव में ज्यादा होता है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव में कम होता है तो रिडक्शन होता है। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव में दोनों है, तो जिसका पॉजिटिव में ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका पॉजिटिव में कम होगा उसका रिडक्शन होगा, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एफ ई से एफ ई प्लस टू बन रहा है इसलिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको रिडक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो ई नाट इसको उल्टा कर देंगे, एफ ई प्लस टू से एफ ई बनेगा तो रिडक्शन होगा, तो जब इसको उल्टा किए तो यहाँ साइन भी उल्टा करना पड़ेगा, तो माइनस 0.44 वोल्ट लिखा। तब हम फार्मूला लगा देंगे, अब देखिए ये कहीं प्लस कर देता है कहीं माइनस, तो हमने आपको बताया है कि हमें एक ही चीज याद रखना है कि पॉजिटिव रहेगा और हम एक को ऑक्सीडेशन के रूप में लिखेंगे एक को रिडक्शन के रूप में लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, पॉजिटिव वाला ही याद रखिए। तो ऑक्सीडेशन लिखा प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन ये है प्लस रिडक्शन वाला ये है, तो चूंकि रिडक्शन ये हो रहा है ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन वाला निगेटिव में है, तो प्लस करके ब्रैकेट में निगेटिव लिखेंगे तो निगेटिव अपने आप प्लस वाला हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा प्लस 0.32 वोल्ट। तो इस प्रकार से 12 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेट अप एज पीटी यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में H2 1 ATM पर है और HCl इससे बन रही है 0.1 मोलर और ये डबल लाइन मतलब ये एक हाफ सेल है अर्ध सेल अभिक्रिया और ये अलग अर्ध सेल अभिक्रिया। इसमें CH3C OH 0.1 मोलर मतलब ये विलयन में है और इससे H2 बन रही है 1 ATM पर और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। तो कह रहा है द EMF ऑफ दिस सेल विल नॉट बी जीरो बिकॉज, तो इस सेल का EMF जीरो नहीं है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल यही न जब करंट नहीं ली जा रही सेल से तब का विभव जो इलेक्ट्रोड के खूंटी पर है उसी को EMF कहते हैं। तो कह रहा है इसका जीरो नहीं है, इसका कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम गौर से देखें तो एक तरफ HCl है और एक तरफ CH3COH। HCl हमारा प्रबल अम्ल है स्ट्रांग एसिड और CH3COH वीक एसिड है। जाहिर सी बात है एक स्ट्रांग है एक वीक है, दोनों की क्षमता में अंतर है इसलिए दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए EMF जीरो नहीं होगा। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है सिंस इट इज ए कंसंट्रेशन सेल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज इन टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन HCl एंड CH3OH आर डिफरेंट। कह रहा है ये एक तरह से कंसंट्रेशन सेल यानी जिसमें सॉल्यूशन भरा रहता है वो कंसंट्रेशन सेल की तरह काम करेगा और इसमें H प्लस आयन जो है वो दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से प्राप्त होंगे, एक HCl से और एक CH3COH, क्योंकि CH3COH टूटेगा तो CH3COH- और H प्लस बनाएगा, HCl टूटेगा तो H प्लस और Cl- बनाएगा। तो दोनों से H प्लस बन रहा है, तो जब दोनों से ये रिएक्शन होके बनेगा तो चूंकि एक हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह काम करेगा एक दुर्बल, तो pH आप 0.1 MSCl एंड 0.1 MCH3COH इज नॉट सेम, तो दोनों तरफ pH सेम नहीं रहेगा और जब pH सेम नहीं होगा तो देयर फोर EMF ऑफ दिस सेल विल नॉट बी जीरो, इसलिए सेल का EMF यानी विद्युत वाहक बल जीरो नहीं होगा, ये रीजन है। pH दोनों तरफ इक्वल नहीं है। तो 13 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा और pH के बारे में अभी जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे, अभी मोटा मोटा इतनी बात समझिए। अगला क्वेश्चन है कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ Li प्लस से Li बन रहा है, Ba प्लस से Ba बन रहा है, Na प्लस से Na बन रहा है, Mg प्लस 2 से Mg बन रहा है। देखिए सब में अपचयन हो रहा है, पॉजिटिव वाला घट रहा है यानी इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है अपचयन विभव 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक क्रम से दिए गए हैं, एक क्रम दिया गया है। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग यानी प्रबल ऑक्सीकारक यानी दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा यानी दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा यानी खुद अपनी घटाए, तो खुद अपनी कौन घटाएगा, जो बढ़ा हुआ होगा वही घटाएगा, तो इनमें ज्यादा कौन है, जो निगेटिव में कम होगा उसी को ज्यादा मानते हैं। तो यहां देखिए निगेटिव में सबसे कम हमें ये दिख रहा है -2.37, तो ये किसका है Mg का, तो Mg प्लस 2 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब देखें Mg प्लस 2 लिखा है, Mg क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि Mg प्लस 2 है तो ये घटाएगा, तो यानी घटाने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ये पॉजिटिव घटेगा, तो यही इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन घटेगा यानी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ने का मतलब ये है
ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा। अब एमजी नहीं लिया गया क्योंकि ये तो प्लस रख सकता है, अब इससे कम तो होगा नहीं, तो इसका बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, यानी वो रिड्यूस होगा, इसलिए एमजी नहीं लिखा गया। 14 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है मोर पॉजिटिव आर लेस निगेटिव द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, द स्ट्रांगर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कह रहा है ज़्यादा पॉजिटिव हो या फिर कम निगेटिव हो तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या तो ज़्यादा पॉजिटिव हो या यूं कहें कि कम निगेटिव हो तो वो स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो लेस निगेटिव किसकी है, Mg+2 की है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो 14 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन। कह रहा है इनमें से कौन सा ब्रोमीन निकालेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड को ये सबसे ट्रीट किया गया है तो ब्रोमीन कौन निकालेगा हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr, तो पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड जब ब्रोमीन बनेगा तो देखिए अगर हम KBr लिखें, KBr इससे हमें K+ + Br- मिलेगा। अब हमको ब्रोमीन प्राप्त करना है तो ब्रोमीन का तो जीरो होगा, तो निगेटिव से जीरो होगा जब, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि निगेटिव से जीरो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही इसको Br- को Br2 में कन्वर्ट करेगा। तो क्लोरीन हमारी ब्रोमीन की तुलना में स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए Br- को Br2 में चेंज कर देगी। तो 15 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी या जो भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग होगा वो सही हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 डिस्प्लेस ए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2। तो Cl2 हमारा ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Br2 की तुलना में, इसलिए KBr से Br2 बन जाएगा, क्योंकि Br यहाँ निगेटिव है और Br2 में यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, तो निगेटिव से जीरो ज़्यादा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कौन ये काम करेगा, Cl2 करेगा, तो 2KBr+Cl2 गिव्स 2KCl+Br2। तो 15 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नर्स्ट इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इनके बारे में देखते हैं। कह रहा है फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe+3+2I-, ये एक्वस यानी इनके ऊपर पानी के अणु आपस में हाइड्रेटेड हैं, जल योजित Fe+3 कह सकते हैं हिंदी में, और +2I- जल योजित, इससे 2Fe+2 = +I2 = बनता है। तो यहाँ पर देखिए +3 से Fe+2 बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घट रही है, यानी इसका अपचयन हो रहा है, और यहाँ निगेटिव से जीरो हो रहा है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई नॉट सेल दिया है 0.24 वोल्ट 298 केल्विन पर। तो कह रहा है द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ΔRg0 फॉर द सेल रिएक्शन इज, और गिवेन द फैराडे कॉन्स्टेंट F=96,500 कूलाम प्रति मोल। तो हमें ΔRg0 निकालना है यानी गिब्स एनर्जी बताना है, और 1F=96,500 कूलाम होता है ये हमको पता है। तो इसमें सीधा फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर देखे सीधा फार्मूला लगा दिया Δg0=-NFe0, ये फार्मूला होता है। अब N की वैल्यू 2 क्यों रखा है इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए इधर 3, 2, 3, 2, 6 पॉजिटिव होंगे मिला के, इधर 2, 2, 4 पॉजिटिव होंगे, तो 6 और इधर 4, तो अंतर कितने का है 2 का, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की
इधरा उधरी हो रही है, यानी दो फायराडे की जरूरत है, इसलिए एन की जगह दो रखा गया। तो यहाँ पर देखें एन की जगह दो रखेंगे तो एन दो हो गया, यफ 96,500 हो गया, ई नाट हमारा 0.24 हो गया, तो ये आ गया माइनस 46,320 जूल, या इसी को किलो जूल में बदलेंगे तो बटे 10^3 हो जाएगा, तो 46.32 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा निगेटिव में। तो 16 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ई नार सेल इज इक्वल टू -0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन, कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, तो एक सेल रिएक्शन दी गई है, ई नार सेल 0.59 वोल्ट है इसका ईएमएफ, और टेम्परेचर 298 केल्विन है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको बताना है इस सेल रिएक्शन के लिए जिसका ई नार 0.59 वोल्ट, और ब्रैकेट में दे दिया 2.303 आरटी बाई एफ का वैल्यू 0.059 वोल्ट रखना है, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया ही है, तो ये भी सीधा फार्मूले पर है, इसको देखते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे खुद ही बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो एन की वैल्यू कितना होगी, वन होगी, इसको देख लीजिए, कह रहा है वन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग है तो एन की वैल्यू वन होगी। तो यहाँ पर देखिए एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू जीरो, क्यू सी इज इक्वल टू के सी, देखिए इक्विलिब्रियम में ई नॉट सेल जीरो होता है क्योंकि दोनों तरफ जब पोटेंशियल यानी विभव बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगी, तो ई नॉट सेल होगा जीरो होगा, और इक्विलिब्रियम पर क्यू सी इक्वल टू के सी होता है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, तो ई नॉट सेल इक्वल टू, अब इक्विलिब्रियम पर ई सेल तो जीरो हो गया तो इधर जीरो रख देंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ देखिए दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, तो ये ई नॉट सेल की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 0.59 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन की वैल्यू वन है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लॉग के सी, तो के सी इज इक्वल टू एन टी लॉग 10 हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 10 आएगा, यानी के सी इज इक्वल टू एन टी लॉग 10 का मतलब 1 × 10^10, ये के सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इक्विलिब्रियम में ई सेल बराबर जीरो होता है और क्यू सी इज इक्वल टू के सी होता है, ये ध्यान देना है, तो क्यू सी की जगह के सी रखेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम है और के सी ही हमें निकालना है, और ई सेल हमको जीरो रखना है इक्विलिब्रियम में, बस ये दो चीज़ अगर आप क्लियर कर लिए तो आपसे गलती नहीं होगी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जेडन से जेडन एसओ फोर बन रहा है और 0.01 मोलर है विलेन में, और सी यू एसओ फोर से सी यू बन रहा है, दूसरा हाफ सेल है इसलिए बीच में डबल लाइन खींची गई, और सी यू एसओ फोर जिस विलेन में उसकी मोलरिटी कितनी है, 1 मोलर है, कह रहा है द ईएमएफ ऑफ दिस डैनियल सेल इज इवन, इसके लिए ईएमएफ इवन है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जेडन एसओ फोर इज चेंज टू 1 m, अगर कंसंट्रेशन जेड एन एस ओ फोर का 0.01 की जगह 1 m कर दिया जाए एंड दैट ऑफ सी एस सी यू एस ओ फोर चेंज टू 0.01 और इसका चेंज करके 0.01 m कर दिया जाए कंसंट्रेशन, तो कह रहा है द ई एम एफ चेंजेस टू ई टू, तब जो चेंज होके ई एम एफ आया उसको हम ई टू मानेंगे, तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई वन एंड ई टू, तो ई वन और ई टू के बीच क्या रिलेशन होगा
और आर टी बाई एफ की वैल्यू हमको 0.059 रखना है जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं, तो देखें यहाँ ई सेल इक्वल टू इन आर सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग जेड एन प्लस टू अपान सी यू प्लस टू लिख लिया। ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन लिखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको ऊपर, जिसका रिडक्शन होगा उसको नीचे, या लॉग एनोड अपान कैथोड कह सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं, देखिए इस रिएक्शन में जेडन से जेडन एसओ फोर बन रहा है, तो जेडन का जीरो है और यहाँ पर प्लस टू होगा क्योंकि एसओ फोर की माइनस टू होती है, तो इधर प्लस टू होगा, इधर माइनस टू, यहाँ जीरो, तो जीरो से प्लस टू हो रही है चूंकि, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन है, इसलिए ये ऊपर रहेगा। और यहाँ पर देखिए सी यू प्लस टू से सी यू हो रही है जीरो, तो इसका रिडक्शन होगा, तो ये ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे, और प्लस टू का चेंज है इसलिए एन की वैल्यू टू रहेगी। तो यहाँ पर देखे जेड एन प्लस टू को ऊपर रखा, सी यू प्लस टू को नीचे, तो ई वन इक्वल टू पहले क्या है, ई नॉट माइनस 0.059 अपान एन की वैल्यू टू रखेंगे क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का अंतर है, प्लस टू है, और लॉग पहले जो इसकी कंसंट्रेशन वो कितनी है 0.01 है और इसकी वन है, तो ई वन बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बाई टू, और ये हो जाएगा 10 to power -2, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू लॉग 10 -2 पहले आ जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, लॉग 10 to power -2, तो इसको लिख सकते हैं -2 log 10, ये पहले आ जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है इसलिए ये -2 आ गया, तो ये -2 हो गया, तो ये हो गया ई नॉट प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और दो दो कट जाएगा 0.059। अब ई टू में क्या कह रहा है कि ये कंसंट्रेशन हम उलट देंगे दोनों का, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, तो ई टू बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपान टू लॉग, ये सब वही रहेगा, केवल कंसंट्रेशन यानी सांद्रता उल्टा की जा रही, तो वन जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया ई नॉट माइनस 0.059। ऐसे ही सॉल्व करेंगे लॉग लिख के, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये कट जाएगा और निगेटिव चिन्ह वैसे बना रहेगा, तो यहाँ प्लस जो हुआ था यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ई वन और ई टू निकल आए, तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव साइन है, यहाँ निगेटिव साइन है, यहाँ घट रहा है यहाँ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ई वन ज़्यादा होगा ई टू से, क्योंकि घटने का मतलब कमी, जुड़ने का मतलब ज़्यादा, तो ई वन ज़्यादा होगा ई टू से। अब आगे आ जाता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं, तो देखिए कह रहा है कि इफ द ई नॉट सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू, अगर कह रहा है कि कोई रिएक्शन दी गई है उसके लिए ई नॉट की वैल्यू ऋणात्मक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमको बताना है जिसके लिए ई एम एफ हमारा ई नॉट सेल निगेटिव है। तो इसको देखते हैं, सीधा फार्मूला रखेंगे और आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो इसलिए ई नॉट सेल इक्वल टू निगेटिव हमको क्वेश्चन में दिया गया है, तो देन डेल्टा जी जीरो इक्वल टू, जब ई नॉट सेल निगेटिव रख देंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव का मतलब जीरो से ज़्यादा और नेगेटिव का मतलब जीरो से कम, जीरो से नीचे जाएंगे तभी नेगेटिव वैल्यू होगी, जीरो से ऊपर जाएंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो डेल्टा जी जीरो इज ग्रेटर देन जीरो कहें या पॉजिटिव कहें एक ही बात। अब देखिए दूसरा फार्मूला लगाते हैं, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग के सी या के इक्विलिब्रियम होता है। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ गई,
तो अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, या निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव आ जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, निगेटिव कहें या यूँ कहें कि जीरो से कम होगा, जीरो से कम कहें या निगेटिव कहें, एक ही बात। तो 19 का ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 1 से कम कहें, जीरो से कम कहें, जीरो से ज़्यादा कहेंगे तो पॉजिटिव और जीरो से कम कहेंगे तो निगेटिव। लेकिन सब देखिए ज़्यादा में है और केवल ये दो में कम में है। जो हमको ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से आंसर देंगे। वैसे जीरो से कम लिखना चाहिए लेकिन अब कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। तो डेल्टा जी नाट ज़्यादा है और के इक्विलिब्रियम कम है, तो 1 से कम है या जीरो से कम, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। वैसे अगर मिलान भी करें तो यहाँ पर केवल इस ऑप्शन में के इक्विलिब्रियम 1 से कम है लेकिन यहाँ पर डेल्टा जी जीरो से कम है जबकि ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 19 का ये विकल्प ही हमारा करेक्ट होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। कह रहा है द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। तो कह रहा है कि 298 केल्विन टेम्परेचर है तो H2 इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो जीरो रखना है। तो H2 का हमारे सेल में दबाव यानी प्रेशर कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन समझिए कि 298 केल्विन पर H2 का इलेक्ट्रोड विभव हमें जीरो रखना है और प्योर वाटर है 298 केल्विन पर, जिस सेल में ये रिएक्शन की बात की जा रही है या जिस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जा रही है, तो उसमें H2 का प्रेशर कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी आपने जो है pH वाला चैप्टर नहीं पढ़ा इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देते हैं कि पानी का pH 7 होता है। क्यों? क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है। उदासीन चीज का pH 7 होता है। pH अगर 7 से कम है तो कहेंगे एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो कहेंगे बेसिक है। अब देखिए अगर pH 7 है तो माइनस लॉग H प्लस 7 होगा, क्योंकि pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस ये फार्मूला होता है, या यूं कहें कि H प्लस हमारा 10^-7 होगा। लॉग हटाएंगे तो 10^ में लिखना पड़ेगा। अब देखिए 2H प्लस एक्वस ब्लेंड में होगा, दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेंगे तभी H2 गैस बनेगी। तो अब देखिए फार्मूला लगाएंगे तो E सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का अंतर हो रहा है इसलिए 2 लिखा गया। और लॉग जैसे कंसंट्रेशन लिखते थे वैसे हमने बताया कि सांद्रता की जगह अगर गैस है तो हम दाब लिख सकते हैं, NCERT में पढ़ा है तो यहाँ दाब लिखा pH2 का यानी हाइड्रोजन गैस का अपान H+ का। तो H+ चूंकि एक्वस विलयन में है मतलब जलीय विलयन है तो इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा सांद्रण, और H2 गैस है तो इसका क्या होगा, दाब होगा, इसीलिए pH2 लिखा है अपान इसका कंसंट्रेशन लिखा है, यानी प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ध्यान दीजिए या तो ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन या एनोड अपान कैथोड या प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट यानी उत्पाद बटे अभिकर्मक लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ई सेल कह रहा है जीरो रखना है तो जीरो रख दिया H2 का, और H2 का ई सेल जीरो होता ही है और ई नॉट सेल हमें जीरो रखना है क्वेश्चन कह रहा है, तो -0.0591/2 लॉग pH2/H+ कितना आया, 10^-7। तो ये रख दिया तो ये सॉल्व करने पे आ गया लॉग pH2/10^-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा तो इधर चला जाएगा। तो ये pH2/10^-7 का होल स्क्वायर तो ये 14 हो जाएगा। ये P
पी एच टू लाग वन की वैल्यू जीरो हो जीरो होती है। तो यहाँ पर देखिए, फिर से समझने का प्रयास करिए। यहाँ तक तो ठीक है, ई नॉट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान टू लाग पी एच टू अपान एच प्लस का होल स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया फार्मूला है। ई सेल हमको जीरो क्वेश्चन में दिया है और ई नॉट सेल एच टू इलेक्ट्रोड के लिए होता है, तो वो जीरो रख दिया। माइनस 0.0591 अपान टू लाग पी एच टू अपान एच प्लस, अभी हमने ऊपर निकाला है 10^-7, तो वो रख दिया। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये जीरो, अगर जीरो का मतलब कुछ भी नहीं तो ये पूरा बटे में चला जाएगा वन अपान में, तो जीरो में किसी चीज़ का भाग देंगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए इतना बराबर जीरो लिख दिया गया। लाग पी एच टू अपान 10^-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अगर दोनों तरफ से लाग हटाएंगे तो इधर भी लाग लिखना पड़ेगा, तो लाग वन की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पर लाग है तो ये जीरो है, इसका मतलब कि ये लाग वन रहा होगा, तो इसलिए दोनों तरफ अगर लाग लेंगे तो इधर लाग वन लिखना पड़ेगा जीरो की जगह, तो लाग लाग कट जाएगा तो इधर वन आ जाएगा और ये लाग हट जाएगा। तो पी एच टू अपॉन 10^-7 का स्क्वायर इक्वल टू वन, तो पी एच टू कितना हो गया, ये इधर जाएगा और इसमें 2 का गुणा होगा तो ये 10^-14 एटीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको फिर से एक बार देखिए, नहीं तो गलती होगी। तो कह रहा है पोटेंशियल ऑफ एच टू इलेक्ट्रोड इज जीरो, तो ई कितना है, जीरो है, और एच टू के लिए ई नॉट जीरो होता है। मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एच टू का जीरो माना जाता है, मानक का मतलब माना जाता है, और क्वेश्चन में ई की वैल्यू जीरो दी गई है, तो इसको ध्यान दीजिए। और एच टू इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर पानी की बात हो रही है, तो पानी का पीएच हमारा 7 होता है, ये पता है। तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, तो पीएच बराबर 7 कहें या माइनस लॉग एच प्लस बराबर 7 कहें, एक ही बात है। ये फार्मूला होता है, जब पीएच वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आएगा तो उसमें बताएंगे। तो ये जब माइनस लॉग एच प्लस बराबर 7 हो गया तो दोनों तरफ लॉग 10 करेंगे तो ये एच प्लस बराबर आ जाएगा 10^-7। अब ये समीकरण हो गई 2H+ से दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो एच टू गैस बनेगी, तो दो इलेक्ट्रॉन जुड़ना है इसलिए एन बराबर 2 रखा गया, और एच टू के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जीरो होता है, तो ई नॉट सेल की जगह जीरो रखेंगे। तो ये देखिए फार्मूला होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान टू लाग पी एच टू अपान एच प्लस का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए गैस है तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट करते हैं, यानी उत्पाद अपान अभिकर्मक, तो उत्पाद गैस है तो गैस का दाब होता है सांद्रता की जगह, तो पी एच टू लिखा है, और रिएक्टेंट में हमारा एक्वस है यानी जलीय विलयन में है तो हाइड्रेटेड है, इसका मतलब ये इसकी सांद्रता लेंगे। तो देखिए बड़े ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ही सांद्रता होता है, तो एच प्लस को बड़े ब्रैकेट में बंद किया और 2 है तो जो पहले गुणा होता है वो स्क्वायर में जाता है। अब देखिए ई सेल हमको दिया है क्वेश्चन में 0 और एच टू के लिए ई नॉट सेल 0 होता है माइनस 0.0591 अपान 2, इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। लॉग पी एच टू अपान एच प्लस की वैल्यू 10^-7 है, इसका स्क्वायर हुआ। अब इसके बाद ये लॉग पी एच टू अपान 10^-7 का स्क्वायर, इसको पूरा इधर ले जाएंगे तो जीरो का कोई मतलब नहीं, तो इस जीरो के भाग में चला जाएगा ये, तो जीरो में किसी चीज़ का भाग देते हैं तो जीरो आता है, और लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो की जगह लॉग वन रख देंगे तो लॉग लॉग दोनों तरफ कट जाएगा, तो ये इतना बचेगा वन के बराबर, तो पी एच टू अपॉन 10^-7 का स्क्वायर बराबर 1, तो पी एच टू क्या हो गया 10^-14 एटीएम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 20 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया।
अभी 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।